हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं कॉस्को, जो कि एक होलसेल स्टोर है। वहां पे बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको बहुत सारा सामान मिल जाएगा, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो ग्रॉसरी हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो घर का कुछ छोटा मोटा सामान हो। लेकिन वहां पे जो भी सामान आपको मिलता है वो बल्क में मिलता है, जो बड़ी फैमिलीज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है कि एक ही साथ बहुत सारा सामान कम प्राइस में आप ला सकते हो। छोटे छोटे पैकेट की जगह बड़े पैकेट्स वहां मिलते हैं। और लेकिन अगर छोटी फैमिली है और आप खाने पीने के शौकीन हैं तो भी आपके लिए कॉस्को एक अच्छा डिसीजन है। आप वहां पे जाएं और देखें। अगर अभी तक आप कॉस्को कभी नहीं गए हो तो हम आज आपको लेके जा रहे हैं कॉस्को शॉपिंग के लिए। देखते हैं हम वहां से क्या लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। आगे चले ये मीडियम साइज का है, यहाँ पे डबल एक्सेल लिखा है। क्या ले लो? कढ़ाई, इंडियन स्टाइल की अच्छी कढ़ाई, अच्छी है, साइज भी बहुत बढ़िया लग रही है। तो राम अपनी राइड एंजॉय कर रहा है और हम भी कॉस्को में इजीली शॉपिंग कर रहे हैं। ये अच्छा है कि बच्चे को कार सीट के साथ ट्रॉली में डाल सकते हैं, तो बच्चा भी खुश और पेरेंट्स भी खुश। ये साइकिल की प्राइस दिखाई है आपने? ये साइकिल की प्राइस है यहाँ पर, लेकिन ये आफ्टर डिस्काउंट 500 डिस्काउंट ये ऑफर कर रहे हैं। ओरिजिनल प्राइस इसके लिए 2200, अभी 17 में मिल रहा है। 1.5 लाख रुपए की साइकिल है, नहीं 1 लाख रुपए की साइकिल है। 1 लाख की साइकिल है, इसी पे शॉपिंग करते हैं आज। देखो 1 लाख की साइकिल पे खरीदने वाला तो हो नहीं, लेकिन आप गिफ्ट कर सकते हो। गिफ्ट करेंगे अगले बर्थडे पे। छोटे बच्चे के, बड़े बच्चे के प्राइस कितने हैं? प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है, 600। कॉस्को के हिसाब से 600 डॉलर मतलब 3000 रुपये का सही चीज़ है। दिखाओ तो, कार के लिए चाहिए अच्छा सा। कैसा, अच्छा लग रहा है? इंडोर प्लांट है, हमें प्राइस बता 20 डॉलर का प्लांट है, चलता ही है। छोटा वाला सही है, वो 11 डॉलर का है या 8 डॉलर का? ये ले रहे हैं हम, ये ले लेते हैं, ठीक है। 4 डॉलर के 3 आ रहे हैं। तो गर्मी आने वाली है इसलिए पैटियो का सामान आ गया है, अम्ब्रेला, चेयर और धूप में आराम से बैठने के लिए सनबाथ लेने के लिए। और ये तो बहुत ज़ोरदार चीज़ है, पैटियो सेट एकदम रॉकिंग चेयर है, तो सोनू उसको ट्राई करने वाले हैं।
मतलब इतना ह्यूज और बड़ा अच्छा क्वालिटी का फर्नीचर लग रहा है, देख के ही मन कर रहा है कि ले लो, लेकिन फिर प्राइस देख के मन कर रहा है कि दो तीन बार थोड़ा सोच लेते हैं। सब बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमें एक्चुअली कारपेट लेना था किचन के लिए भी, जो छोटे छोटे मैट्स होते हैं, और जो बाहर जो पैटियो है उसके लिए एक बड़ा कारपेट लेना था। तो देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है तो। सेम है दोनों, पानी से खराब भी नहीं होगा। ये भी अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? लग रहा है लेना है? मतलब कॉस्को में आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक से बढ़कर एक चीज़ें। अब गर्मी आने वाली है तो बीच पे जाने की तैयारी ऑलरेडी होने लगी है। और आप ये शोपीस देखिए, एकदम अल्टीमेट है। क्या मस्त वाटरफॉल लग रहा है, गोल्डन और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। किसी का वाइट लिविंग रूम है तो उसमें बहुत ज़्यादा सूट करेगा, मुझे बहुत पसंद आया। रेट है $300, तो थोड़ा महंगा है बट अच्छी चीज़ है। ये देखिए, ये है कयाकी वाली बोट। आपको कुछ नहीं करना है, बोट लेके जाइए। बहुत से लोग बोट खरीद के अपनी पर्सनल बीच में या फिर रिवर में कभी भी जाते हैं तो राफ्टिंग के लिए मस्त बोट पे बैठो और मज़े करो। तो जैसे कि मैंने बताया, सब कुछ बल्क में मिलता है, तो यहाँ पे एक दो या तीन जूस की बॉटल नहीं है, पूरे कैरेट है। लोग लेके जाके घर पे रखते हैं, लेकिन इनमें इतना शुगर है तो मैं पर्सनली इसको पसंद नहीं करती हूँ। तो हमारी शॉपिंग हो गई है ख़त्म, तो देखते हैं कितने का बिल बनता है और आपको बताते हैं कि हमारी एक दिन की जो हमने शॉपिंग करी है उसका क्या अमाउंट है टोटल में। तो ऑलमोस्ट हमने सब सामान ले लिया है, सोनू बस बिलिंग कर रहे हैं। हमने कॉस्को में कर ली है शॉपिंग ख़त्म हमारी, और मैंने आपको जैसा कि रिसीट दिखाई, 341 ऑलमोस्ट $350 का खर्चा हुआ है। तो कितने होंगे इंडियन करेंसी में सोना? करीब 20,000 रुपये के आसपास। 20,000 रुपये एक बार में। तो ये एक बार की ग्रॉसरी शॉपिंग और वो जो सारी चीज़ें, वो हमने तो छोटे ड्रग वगैरह भी लिए, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 300-250 तक का खर्चा हो जाता है एक बार में अगर आप कॉस्को आओ तो। होलसेल है कॉस्को में तो सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मिलती हैं, तो सोचते हैं कि ठीक है एक ही बार आना है, उठा लेते हैं, तो बार बार कौन आएगा। तो हर चीज़ में चार चार पैकेट एक साथ होते हैं, तो फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान भी है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो कभी कभी इंडिया में जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि हाँ कैनेडा में मज़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मज़ा भी है लेकिन उसके साथ साथ खर्चा भी है, तो हैंडल करना, बैलेंस करना आना चाहिए।